ये तो सर, ऊपर वाला सॉल्व ये किया तो है। कर ठीक है, ये तो देखिए अपन ने यस करके क्रिएट देख लिया था, ये वाला अपना बिल्कुल। क्वेश्चन रह गया था, ये अपन को डिस्कस करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए मेरा बोला बोला था इसमें कौन सा वाला रूल लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड रूल, मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला, ठीक है। एक बार अपन एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला रूल लगेगा फर्स्ट, ठीक है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स अपन लगाते हैं, देखो सबको साउंड क्लियर है, यस सर, ओके। यस सर, देखिए अपने पास में y इज इक्वल टू आपको दे रखा था क्या, log x साइन x प्लस sec x अपॉन cosec x माइनस एक्स स्क्वायर sec x, ये आपको दे रखा है। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, तो क्वेश्चन दिखते ही आपको क्या करना है, डिवाइड रूल, मतलब आपको डिवीजन आपको याद में आ जाना चाहिए कि डिवाइड रूल अपना क्या होता है, ठीक है। तो डिवाइड रूल अपना क्या होता है, ऊपर वाले को क्या मानोगे सबको एफ एक्स, और नीचे वाले को क्या हो जाएगा आपके पास में जी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये बताइए क्या होता है, जब अपने पास में वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स वाले फॉर्म में होता है, तो ये होता है अपने पास में क्या है, कि जी एक्स को कॉन्स्टेंट और डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ एक्स का, ठीक है। माइनस फिर एफ एक्स को कॉन्स्टेंट और डी अपॉन डी एक्स किसका, जी एक्स का, और अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, जी एक्स की जगह पर जी एक्स रख दो। तो देखिए रखिए, तो वाई इज इक्वल टू वो सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ऊपर जी एक्स, तो जी एक्स की जगह पर जी एक्स रख दो, तो कुछ क्या हो जाएगा अपने पास में, कोसेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सेक एक्स, ठीक है, रख दिया। अब क्या करना है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन वो सर डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब एफ एक्स क्या है, लॉग एक्स साइन एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स अभी मैं पहले रख देता हूँ, क्या है, लॉग एक्स साइन एक्स प्लस सेक एक्स। यहाँ तक अभी वाला, ये वाला पार्ट हुआ है अभी, अभी कौन सा वाला पार्ट हुआ है, ये वाला, फिर माइनस का साइन, ठीक है। क्या करना है, एफ एक्स को एफ एक्स की जगह तो लॉग एक्स साइन एक्स और प्लस सेक एक्स रख दिया। आपका करना है डी अपॉन डी एक्स किसका, जी एक्स का, डी अपॉन डी एक्स किसका, जी एक्स का, तो ये हो जाएगा अपने पास में कोसेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सेक एक्स, और अपॉन में आ जाएगा क्या, इसका होल स्क्वायर किसका, नीचे जी एक्स का, कोसेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सेक एक्स। यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया है, ये बताइए, आगे समझ में, यहाँ तक यस क्लियर है, सर, यहाँ तक तो सबका हो गया होगा, सबका क्लियर है। अब देखिए, यस सर, अब देखिए यहाँ पर इसी को कोसेक एक्स को कोसेक एक्स की छोड़ दो, माइनस का एक्स स्क्वायर सेक एक्स एज इट इज। यहाँ पर देखिए लॉग एक्स साइन एक्स किस में, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स साइन एक्स किस में, मल्टीप्लाई में, तो पहले क्या कर दोगे, लॉग एक्स को कांस्टेंट और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस कॉस एक्स, एक्स, ठीक है, और प्लस लगा दोगे, आप क्या करोगे साइन एक्स को कांस्टेंट और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाता है, लॉग एक्स का वन पॉन एक्स, तो ये हो जाएगा अपने वन पास में पॉइंट, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिख सकता हूँ वन पॉन एक्स हो गया किसका, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स को एजिटेड छोड़ दिया तो वन पॉन एक्स हो गया, तो वन पॉन एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, प्लस का साइन है प्लस का लगा दिया, क्या करना है sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec x इंटू tan x tan x,
ये हुआ है अभी यहाँ तक, ठीक है, वही माइनस का साइन, ब्रैकेट यूज कीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स साइन एक्स प्लस सेक एक्स। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए, कोसेक एक्स को कोसेक, ठीक है, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया, एक्स स्क्वायर को पहले कांस्टेंट रख दिया तो एक्स स्क्वायर को रख दिया, और सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब किसका करोगे, माइनस का ये इसके साथ में चल रहा है, ठीक है, सेक एक्स को कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स, ठीक है, ये यहाँ पर आपका खत्म हुआ है डेफिनेटली। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, और ये आपका एज इट इज कोसेक एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर सेक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स, अब देखिए ये तो एज इट इज, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसमें से एक्स को अगर आप लेना चाहते हो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो पहले अपन इसको सॉल्व करें, क्योंकि इसके साथ में क्या जा रहा है माइनस, और माइनस इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हो सब में से, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, दोनों में तीनों में से कॉमन ले सकते हो, और बस आपका डिफरेंशिएशन तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस का ऐड करना है, प्लस माइनस किससे कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करना है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करना है, ठीक है, बस आपका डिफरेंशिएशन यहीं पर कंप्लीट। तो अब देखिएगा आप क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सेक एक्स, एज इट इज छोड़ दो, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है तो एज इट इज छोड़ दो, इनको भी लेने को तो एलसीएम ले सकते हो इसके सबके नीचे, तो ये एक्स इसके साथ में भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके साथ में भी एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और सबको ऐड हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो देखिए इसके साथ में एक्स आ गया, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, और क्या हो जाएगा अपने पास में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और इसके साथ में भी आपका क्या एक्स, और इन सब के साथ में आ जाएगा आपके पास में कहाँ पर था, यहाँ से पूरा क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन लगा हुआ है और लॉग एक्स एज इट इज, लॉग एक्स साइन एक्स प्लस सेक एक्स एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ से देखिए अगर लेना चाहते हो तो क्या ले लो, माइनस का कॉमन ले लो, सब किस में हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से मान लो मैंने माइनस का वन लोगे कॉमन, ठीक है, माइनस का वन कॉमन लोगे, अगर माइनस का वन कॉमन नहीं ले रहे हो तो आप एज इट इज छोड़ सकते हो, तब भी आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए सब में क्या जाएगा माइनस चला जाएगा, और अगर आपने को करना होता तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर वो और भी लंबा पहुंच जाता, तो यहाँ से मैंने क्या किया माइनस का वन कॉमन ले लिया। अब देखिए इसको क्या कर सकता हूँ मैं, कोसेक एक्स और ये क्या होता है कॉट एक्स, इसको काट सकते हैं अपन, कोसेक एक्स पर और क्या होता है जी सर काट सकते हैं होता है, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में cos upon sin नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसको cot x को cot x जोड़ दिया और प्लस का x स्क्वायर सर एक बार cos भी होता है cos x क्या हुआ cos x का cot x का 1 upon sin x cos x sec by cos x साइन बाई कॉस होता है ना सर टेन का, तो उसका कॉस बाई साइन हो गया,
कॉट का हाँ कॉट बाय साइन हो गया, बट इसका क्या पूछा है, इसका क्या बनता है, 1/sin x बनता है, पर sin x तो sin x आपस में कैंसिल आउट कहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि sin x इसके भी डिनोमिनेटर में, इसके भी डिनोमिनेटर में है ना, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बनता तो अपन काट देते, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में 10x, और यहाँ पर बचा है अपने पास में प्लस का 2x, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपके पास में sec x, और ये यहीं पर आप छोड़ सकते हो, और इसका नीचे अपन कर सकते हो, और यहीं को यहीं पर छोड़ सकते हो, sec x माइनस x² sec x, और ये हो जाएगा अपने पास में, ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। सर नीचे जो स्क्वायर है उससे एक ऊपर वाला नहीं काट सकते हैं, कॉसेक एक्स माइनस कैसे एक्स स्क्वायर सेक एक्स का होल स्क्वायर है तो सर ऊपर भी तो एक है ये वाला कॉसेक एक्स में। यस सर, भाई, ये सबके कॉमन नीचे, निकालना पड़ेगा पहले। ये देखिए ये सबके नीचे है ये वाला, ये इसके सिंपल ही नहीं है, ये पूरे के नीचे है होल के, ठीक है, तो या तो फिर इसमें से भी आपके पास में आना चाहिए था, पर इसमें से कहीं आ रहा है क्या आपके पास में, नहीं सर, इसमें से भी तो आना चाहिए सेम चीज, इसमें से सब दोनों में से कॉमन निकाल के अगर ये बाहर होता तब आप क्या कर सकते, एक पावर से आप कैंसिल आउट कर सकते, बट यहाँ पर क्या है सबके होल के नीचे है ना, तो यस जब सर, तक आपके पास में बाहर नहीं होता तब तक आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, और यहीं के यहीं आप छोड़ सकते हैं। बोलिए किसकी समझ में नहीं आया है, मेरे हिसाब से आ गया, आ गया सर। यस सर, ओके। यस, देखिए अब आता है आपके पास में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसको अपन चैन रूल बोल देते हैं, उसमें से मैं बस एक या दो क्वेश्चन बताऊंगा, फिर वो आप आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसको अपन चैन रूल भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, मतलब एक फंक्शन के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा फंक्शन मिल जाएगा, उसको आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है, जिस तरीके से, जैसे मान लो आपके पास में ये क्वेश्चन है कॉस, वो सॉरी ई की पावर कॉस रूट एक्स, ठीक है, इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन होगा अपने पास में, ये था लॉग sec x प्लस 10x, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है अपने पास में थर्ड लॉग रूट साइन, और इसके अंदर भी e की पावर x, देखिए इनको करने के अपने पास में दो दो तरीके हैं, एक तो अपन कर सकते हैं क्या मानकर, ठीक है, एक दूसरे को मतलब एक फंक्शन को उसको fx को gx अपन आपस में मान के, ठीक है, अगर अपन देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, और देखिए इसको क्या कर सकते हैं, e की पावर x का पड़ा है तो e की पावर x जो भी है उसको अपन क्या मान लेंगे fx मान लेंगे, जैसे मान लो सपोज दैट या gx मान लेंगे, ठीक है, या p मान लेंगे या q मान लेंगे, जो भी आप मान सकते हैं, जैसे मान लो e की पावर x है तो इसका मैंने को मान लो cos रूट एक्स, तो cos रूट एक्स की जगह पर मान लिया मैंने p, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा p हो गया, अब ये यहाँ पर भी मैंने cos रूट एक्स का नहीं पढ़ाया, किसका पढ़ा है cos x का पढ़ाया, तो रूट एक्स की जगह पर मैंने मान लिया क्या अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू मान लिया मैंने q, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा e की पावर p बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा cos q बन जाएगा, और ये आपके पास में q इक्वल टू आपको दे रखा है क्या रूट है, तो देखिए इसका जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे p के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से तो निकल जाएगा अगर dy अपॉन dp निकल जाएगा, तो dy अपॉन dp क्या हो जाएगा e की पावर p की p का p हो जाएगा, e की पावर p का मतलब e की पावर x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, पर यहाँ पर क्या है p के रेस्पेक्ट में करें तो e की पावर p का e का पावर, अब ये क्या है p इज इक्वल टू है ना, तो p इसका कर दोगे dp अपॉन dq, क्योंकि ये q का फंक्शन है, तो इसका कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में
माइनस के साइन क्यू, माइनस में साइन क्यू, और इसका किसके रेस्पेक्ट करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, डी क्यू अपॉन डी एक्स, डी क्यू अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा, 1/2 √x, Yes. 1/2 √x, ठीक है। अब सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा अपने पास में, कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी पी, डी पी अपॉन डी क्यू, और डी क्यू अपॉन डी एक्स, डी क्यू अपॉन डी एस, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा,